क्रम जारी है। कमाते हैं, खाते हैं, कमाने वाले कम हैं, खाने वाले अधिक हैं। दरिद्रता अधिक है, संपन्नता कम है। आंसू अधिक है, खुशी कम है। नचिकेता ने दो घटनाओं को देखकर अपना अचंभा प्रकट किया था। जब गुरुकुल में पढ़ता था तब एक हिरण बीमार पड़ गया तो भोजन नहीं कर रहा था। नचिकेता ने बहुत कोशिश की उसको खिलाने की, वो खाने को तैयार नहीं हुआ। तब उसके सहपाठियों ने कहा कि वो बीमार है। अब नचिकेता ने पूछा कि बीमार क्या होता है? बोले शरीर में रोग हो जाते हैं और उसके बाद जो सहज गतिविधियां होती हैं उनमें बदलाव आ जाता है और व्यक्ति सुस्त पड़ जाता है। उसको दवाइयाँ देनी पड़ती है और फिर जब वापस ठीक होता है तब स्वस्थ कहलाता है। उसका उपचार करने के बाद ठीक भी हो गया हिरण, पर किसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर नचिकेता उसको घास खिलाना चाहता था पर वो तो पड़ा हुआ था। फिर उसके सहपाठियों ने कहा कि ये मर गया, अब ये कभी नहीं खाएगा। तो नचिकेता पूछता है कि मर गया, मरना क्या होता है? तो वे बोले जीवन समाप्त हो गया उसका, इसी का नाम मरना है। तो एक सहपाठी बोलता है कि नहीं, वो कहीं और जन्म ले चुका होगा। दूसरा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, यहीं सब कुछ होता है, पैदा होकर के मर जाता है जीव। फिर उसने गुरुजी से पूछा कि ये क्या बात है? तो बोले कि ये सब बड़ा रहस्यपूर्ण विषय है, मैं इसको नहीं बताऊंगा तुम्हें। तुम थोड़े परिपक्व हो जाओ, उसके बाद कोई तुम्हारी पात्रता देख करके ये बात समझा सकता है। तो हर किसी के जीवन में ये प्रश्न जीवित है, मैं कौन हूँ? जो कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, जो कहता है मैं भारतवासी हूँ, जो कहता है मैं अमुक प्रांत का हूँ, जो कहता है मैं अमुक जाति का हूँ, जो कहता है मैं अमुक धर्म को मानने वाला हूँ, और जो अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पर कहता है कि मैं विज्ञान की शाखा का हूँ, मैं गणित की शाखा वाला हूँ, या फिर मैं कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, मेडिकल वाला, इंजीनियरिंग वाला, कंप्यूटर साइंसेस वाला, वो ठीक है, अपने वर्तमान परिवेश को लेकर, अपनी उस स्थिति को
जिस स्थिति में उससे पूछा गया तुम कौन हो, उसको लेकर के अपना परिचय देता है। पर इन बदलते हुए परिचयों में कोई ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है? नाम रखने से पहले भी वो चीज़ थी, नाम बदलने के बाद भी रहती है, नाम मिट जाने के बाद भी रहती है, पागल हो जाने के बाद भी, अचेत अवस्था में, सचेत अवस्था में, निद्रा में, जागृति में वो चीज़ रहती है। और इसलिए फिर री इनकारनेशन की बात निकली है, पुनर्जन्म और ट्रांसमाइग्रेशन, सतत जन्मांतरण। एक जन्म धारण किया, फिर दूसरे जन्म में चला गया, मरण के बाद। भगवत गीता में महर्षि वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण जी के मुख से अर्जुन को एक श्लोक सुनाया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म अवश्यंभावी है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा, ये भगवत गीता का वचन है। ठीक है, आत्मवादी दर्शन की बात है ये, इसलिए जन्मने वाला मरने वाला कोई पदार्थ है, कोई द्रव्य है, कोई वस्तु है, जो सतत जन्मांतरण की प्रक्रिया से गुजर रही है और जन्मांतरण में अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी प्राणी कभी सुख को प्राप्त करते हैं, कभी दुख को, कभी सौंदर्य को प्राप्त हो जाते हैं, कभी कुरूपता को, कभी निरोग शरीर को पाते हैं और कभी रोगी बन जाते हैं, कभी उनकी इंद्रियां संपन्न होती है, परिपूर्ण होती है, कभी इंद्रियों में दोष होता है, कभी बुद्धि ठीक होती है, कभी ठीक से काम नहीं करती, कभी एक अवधि तक बुद्धि ठीक रहती है, उस अवधि के पश्चात बुद्धि विकल हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। ये सारे उतार चढ़ाव और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी इतने सब अंतर जो देखने को मिलते हैं, एक दक्षिण भारत का छोटा सा किस्सा था। किसी पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे, एक लड़का खा नहीं रहा था, तो उसकी जो मम्मी थी वो वहाँ परिचित डॉक्टर साहब भी आए हुए थे, उनसे बोलती है कि डॉक्टर साहब जब जब खाने की बारी आती तब ये बड़ी आनाकानी करता है, कोई दवाई दे दो, इसको भूख लगने लग जाए। तो डॉक्टर मुस्कुराने लगा, बोले कि ठीक है बता दूंगा बाद में।
एनोरेक्सिया, बल्मिया, ऐसी सब बीमारियां होती जिसमें खाने की इच्छा नहीं होती, फिर उनका उपचार करने पर भूख लगने लग जाती है। अब वहां एक बालिका भोजन परोस रही थी, और भोजन परोसने के बाद जब वो सब लोग भोजन करके हाथ धोने के लिए वहाँ गए हस्त प्रक्षालन वाली जगह में, तो वो बच्ची डॉक्टर के पीछे पीछे गई और वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, हाँ बोलो क्या बात हो गई। बोले कि आप तो सब प्रकार की दवाइयाँ जानते हैं, उस भैया को आपने कहा कि, उसकी माँ से कहा कि बता दूंगा दवाई भूख लगने की, मुझे दूसरी दवाई चाहिए। क्या हो गया तेरे को? बोले मुझे भूख बहुत लगती है, मुझे भूख न लगने की दवाई दे दो। क्या बोल रही है? पर फिर उसकी आंखों को देखकर डॉक्टर ने पढ़ लिया कि ये बच्ची इतनी गरीब है कि इसकी पूर्ति नहीं हो पाती होगी और इसलिए ये ऐसी बात कर रही है। तो फिर कुछ पैसे वैसे दे दिए डॉक्टर ने उसको, और फिर एकदम ऐसे गंभीर हो गया डॉक्टर, और फिर उसका गला भराया। बोले बेटा निराश नहीं होते, चले गया। तो उसी प्रांगण में एक व्यक्ति भूख न लगने के कारण परेशान है, उसको इतना खाने मिलता है कि अब भूख बचती नहीं उसको, और एक ऐसे है जो पूर्ति न होने के कारण हमेशा भूख से पीड़ित रहते हुए परेशान है। तो ये सब जो दुनिया में अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं देखने मिलती है, ये अकारण असंभव है। बिना कारण ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। एक ही माँ के जुड़वा बच्चों में भी अंतर क्यों होता है? क्या कारण है? एक बार गुजरात के एक ज्योतिष से टेलीविज़न पर प्रश्न किया गया कि ये जुड़वा है, इनकी पत्रिका बिल्कुल एक जैसी है, फिर इनके जीवन एक जैसे क्यों नहीं है? आपके ज्योतिष के पास इसका क्या जवाब है? वो बहुत कुशल ज्योतिष थे, अहमदाबाद में उस्मानपुरा नाम का स्थान था जहाँ हम ठहरे हुए थे, शांतिनाथ भगवान के जिनालय के नीचे, वहाँ उन्होंने आकर के ये घटना सुनाई थी। उन्होंने कहा कि एक समय पर जन्मने मात्र से कर्म एक नहीं हो जाते, दोनों में अंतर रहता है, और उतना कुछ संकेत करके वो चले गए। पर हमने जब विचार किया तो बात समझ में आई कि एक समय पर जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक क्षेत्र में जन्म नहीं ले सकते। जैसे एक बच्चे ने 5:10 को जन्म धारण किया, 5:10 पर 98 और बच्चे भी जन्म लेते हैं, लेकिन एक बेड पर जन्म नहीं ले सकते। और दूसरी बात,
कि उसी डेट में जन्म लेने वाले बहुत सारे होते हैं, उसी लग्न में उसी डिग्री में जन्म लेने वाले बहुत से होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पेस में फर्क होने के कारण, क्षेत्र में अंतर होने के कारण कुंडली में समानता होते हुए भी इतना सूक्ष्म अंतर रहता है जो सामान्यतः दिखाई नहीं देता। उनकी जीवन की घटनाओं में काफ़ी समानताएं होती है, लेकिन फिर भी अंतर भी गजब का होता है। तो क्षेत्र भिन्नता के कारण अंतर पड़ जाता है। जैन सिद्धांत में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों को बड़ा प्रभावशाली माना गया है जीवन में। कहीं भी किसी भी द्रव्य के साथ देखो आप, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से सब कुछ चलता रहता है। ये दुनिया रोके नहीं रुकती, चलाए नहीं चलती। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से स्वाभाविक रूप से ये सब चलता रहता है। जैसे भगवद गीता में ही दो बड़े सुंदर श्लोक आते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते, अंत में ये पद आता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। ऊपर जो भी कहना है वो कह दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन से, और अंत में कहते हैं स्वभाव प्रवर्तमान है। दोनों श्लोक इस प्रकार आते हैं पूरे के पूरे, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये चल रहा है, लेकिन अहंकार कहता है कि मैं चला रहा हूं। बस जिस दिन ये भ्रम दूर होगा उस दिन विवेक जागृत होगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।